और मैं अगर उसका हूं तो मुझे तो उसे ही याद करना है, और अगर मैं उसका हूं तो मेरे सब संबंध उसके साथ है, मैं उसका हूं। जिसको सारी दुनिया पुकार रही है वो मेरा बन गया है। सबका है वो तो ठीक है, लेकिन वो मेरा है, मैं उसकी हूं, उसका हूं। ये इतना बड़ा निश्चय है, जिस निश्चय के बल बूते पर कभी भी आत्मा कमजोर नहीं बन सके। अगर थोड़ी कमजोरी आ जाती है तो याद करो, मैं किसका हूं, मैं कौन हूं। और जब ये दोनों निश्चय आ जाते हैं, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, तो फिर मैं यहां क्यों हूं। एक इतना बड़ा निश्चय है, मैं यहां क्यों हूं। आज मनुष्य क्यों इतने मुझे हुए हैं, अपने जीवन से क्यों बेजार हैं, परेशान हैं, तंग हैं, सुसाइडल रेट, आत्मा हत्या की रेट दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुझे जीना नहीं है, क्यों नहीं जीना है। बस जीवन का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, बस इसलिए जीना ही नहीं। क्यों ये ऐसे समझ लिया, क्योंकि जीवन का लक्ष्य जाना ही नहीं। जीवन में यही सोचा कि मुझे तो लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, लेना ही लेना है। और मैं देखा कि अगर लेते भी हैं तो भी जैसे खोखले हैं, खाली है। पर ये भूल जाता है कि मेरा लक्ष्य लेना नहीं है, लेना है, लेना है, लेना है। क्या देना है, क्या देना है, केवल वस्तुएं देना, यही देना नहीं है। गुण देना है, शक्ति देनी है, ज्ञान देना है, श्रेष्ठ कर्म देनी है, सहयोग देना है, दुआ देनी है। ये कितनी सूक्ष्म बातें हैं जो हम सदा ही दे सकते हैं। उसके लिए भले धन हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यही मेरा कितना बड़ा लक्ष्य है। इस सृष्टि मंच पर हम क्यों आए हैं, पाठ बजाने के लिए इतने तक ही लक्ष्य नहीं है। लेकिन कैसा पाठ बजाने आए, हीरो का पाठ बजाने आए। हीरो का पाठ कौन बजा सकता है, जो साधारण एक्टर होगा वह हीरो का पाठ ही बजा सकता है। एक तो हीरो का पाठ वही बजा सकता है जो आदि से अंत तक इसका पाठ हो। अगर बीच से चला गया तो हीरो का पाठ, एक तो आदि से अंत तक हो और दूसरा कुछ ऐसी करामाते दिखाए, इतना वो सबको दे ले, तब वो हीरो कहलाएगा। उसके अंदर देने की कला हो, केवल लेने की नहीं, तभी वो महान भी कहलाएगा। इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं कि जो जीवन की धारणाएं हैं, ज्ञान योग के बाद धारणा और फिर सेवा, ये धारणा केवल हमारे लिए भी नहीं है, ये सबके लिए भी है। क्योंकि मैं जो करूंगा मुझे देख और करेंगे, मुझे देख और करेंगे। मैं स्टेज पर हूं, मुझे देखने वाले अनेक हैं, जैसे हीरो को सब देखते हैं ना आजकल।
वैसे मंच पर एक्टिंग ना भी करे पर वैसे भी कोई हीरो या अभिनेता, बड़ा नामी ग्रामी अभिनेता कहीं चला जाए, कितने लोग इकट्ठे हो जाते उस अभिनेता को केवल देखने के लिए। तो अगर स्टेज पर नहीं भी है, वैसे नहीं है, तो भी इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको देखने के लिए, इससे क्या सिद्ध है कि हर वक्त उसको देने का ही भाव होना चाहिए, तब तो उन सबकी उनको आशीर्वाद मिलेगी, दुआएं मिलेगी, खुशी मिलेगी।